नमस्कार। अभी जो देश में जो पानी की स्थिति है और जिसको हम बार बार कह रहे हैं और अक्सर कोई भी कह देता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी पर लड़ा जाएगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम लोग पानी उड़ेलते रहते हैं, गिराते रहते हैं। शायद उस पर हम लोगों को जरा सा भी ना तो चिंता है, न सोच है और न ही हमें वो डराता है कि देश के इतनी बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं और वो खबरें देख कर भी हमें डर नहीं लगता कि देश के इतने बड़े हिस्से को पानी मिलना बंद हो गया है। जाने कितने मील वो औरतें वो अपने सर पर मटकी और गगरी रख कर वो जाती हैं पानी लेने के लिए, और मतलब दुनिया एकदम से कहें कि दो हिस्सों में बढ़ती चली जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि संसाधन जिनके पास है वो इतना उपभोग कर लेना चाह रहे हैं कि जिनके पास कम रह जा रहे हैं उनके पास उपयोग की भी गुंजाइश न बने। अब उपयोग और उपभोग में ठीक है, जो भी है कंज्यूम करना है, कंज्यूमर से उपभोक्ता बन जाता है, लेकिन उपयोगता अगर हो ना तो वो शायद ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि उपभोक्ता कहते ही ये लगता है कि कितना ज्यादा हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और दरअसल हमारे सारे मानक भी इसी आधार पर बने हुए हैं और इसीलिए हम जल वायु इन चीजों को भी कमोडिटी के तौर पर देखते हैं और शायद इसीलिए उपयोग की बजाय उपभोग पर चले जाते हैं। उपभोग उन चीजों का होना चाहिए, आप और चीजें उपभोग करना चाहते हैं वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मूलभूत जरूरी कहें कि जिसके बिना जीवन ही नहीं चल सकता, ऐसी चीजों का तो सिर्फ उपयोग हो सकता है, उपभोग नहीं हो सकता है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम उस दिशा में सोचना शुरू किया है। जैसे हम लोग गंगा की सफाई की बात करते थे और कई बार मैं कहता हूं कि अभी भी बहुत सा काम है जिसको होने में वर्षों लगेगा, बहुत लंबा फासला हमें तय करना है, लेकिन नमामि गंगे परियोजना आई, कम से कम उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगह गंगा साफ भी हुई है, कई जगह नाले रोक दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड सीवर लाइन, तो ये एक काम होता हुआ दिख रहा है। कितना बजट खर्च हुआ, कितनी चीजें हो गई, कितनी नहीं हुई, ये एक अभी विवाद का विषय है। पानी को लेकर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब मैं 2001 में दिल्ली आया था तो मेरे लिए ये बहुत चौंकाने वाला था, मतलब आश्चर्य का विषय था कि यहाँ नोएडा में और दिल्ली में बिना बोतल बंद पानी के आप रह ही नहीं सकते हैं। ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी और इसीलिए उस वक्त तो नहीं समझ में आई बात, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं ये लगातार कहने लगा हूं कि ये जो आरोह मशीन्स लग रही हैं हर घर में, ये जो कहीं भी किसी कार्यक्रम में किसी जगह पर जो बोतल बंद पानी मिलने लगा है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है और ये हमें साफ पानी से, पीने लायक पानी से एकदम दूर कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो 75 काम है, जो उनका संकल्प पत्र है, उसमें एक ये भी है कि वो पानी नल के जरिए सब घर में पहुंचाएंगे, लेकिन नल के जरिए पीने नहाने कपड़े धोने ऐसा पानी होना चाहिए और उसको रोकने का होना चाहिए। दूसरी एक जो बड़ी चिंता है कि क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और अच्छी बात यह है कि इस पर आज जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, और चूंकि संयोगवश अभी 3 दिन पहले अपने एक किसी कार्यक्रम के लिए मुझे नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी से मेरा मिलना हुआ, तो उनसे बातचीत में पता चला कि इसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि कैसे बारिश के पानी को संभाला जा सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नीति आयोग होगा और वो सारी बैठक होगी इसमें। अब ये एक बड़ी चीज है और चूंकि पहली बार किसी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, अच्छी बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो खुद एक किसान हैं और उनको समझ है इन चीजों की, तो ये जो जल शक्ति मंत्रालय है शायद उस दिशा में काम करे। लेकिन प्रधानमंत्री से बस इतना ही आग्रह, चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों होता है ये समझ में नहीं आता, जब एकदम जबरदस्त तपती गर्मी रहती है और उस वक्त एक औपचारिक रस्मी तौर पर लोग फोटो खिंचाते हैं पेड़ के साथ और फिर वो जब तक बारिश आती है तब तक सूख जाता है, क्योंकि पानी तो नियमित दे नहीं पाते हैं और इस गर्मी में जब तक बहुत नियम से बहुत अनुशासन के साथ पानी नहीं मिलेगा पेड़ को तो वो सूख जाएगा। तो अब एक तो ये चीज है कि आप ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कीजिए, दूसरी बात बोतल बंद पानी को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे धीरे धीरे वो बंद किया जा सकता है, उन कंपनियों को कहा जा सकता है कि आप अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर वो प्लांट लगाइए जो सीधे पानी साफ करे और उनको सरकार उसको उसका खर्च वहन करे कि ये प्लांट लगेगा, उसका सरकार मेंटेनेंस और वो सारा खर्च वहन करे, ये काम होना चाहिए। और एक जो और कहें कि इसी के साथ जुड़ी जुड़ी सी बात है, जब हम तालाब और पोखर की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों के गांव के आसपास भी हुआ है और सभी गांवों में एकदम से उसको बंद कर दिया गया है। किसी गांव में चूंकि उनके भी घर में चीजें हो गई हैं, नाली सामने से बंद हो गई, फिर नाली जो आगे जाके तालाब में मिलती थी वो खत्म हो रहे हैं, तो ये सारे इस सारे सिस्टम को जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे
तो पूरा का पूरा सिस्टम तैयार नहीं होगा। जैसे मैं 2007 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में राजकोट से करीब 22 किलोमीटर दूर है राजसमडियाला, उस गांव में गया था। तो वहां बहुत पहले, मतलब उस गांव के सरपंच ने उनको ढेर सारे सम्मान पुरस्कार वो सब मिले हुए, बहुत पहले उन्होंने इसरो की मदद से सैटेलाइट मैपिंग कराई थी और कुछ कुछ दूरी पर तालाब बनवाए थे। इससे क्या था कि वो तालाब भरे रहते थे और खेतों की जो जमीन होती थी उसमें कम सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, पानी की जरूरत कम पड़ती थी, पानी कंजर्व होता था, भागता नहीं था, जो बारिश का पानी है वो वहीं रह जाता था और खेत हमेशा उनकी जो उर्वरकता रहती है, उपजाऊ रहता है, वो उपजाऊ शक्ति वो बनी रहती है। तो आपको 3-4 लेवल पर प्रधानमंत्री जी काम करना है और इसमें राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। कि एक तो ये कि सबसे पहला काम तो यही कि अब बारिश आने वाली, तो उसके पहले बारिश का पानी इस बार कितना पानी रोक लेंगे ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी जो बड़ी चीज है कि तालाब और पोखर वो उसी क्रम में जिंदा कर लेना होगा पहले से, और उसमें अगर कोई कब्जा किया हुआ दिखता है तो उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको उठा के जेल भेज दिया जाए, लेकिन उनको चेतावनी दी जाए, समझाया जाए कि ये आपके लिए भी ठीक है, क्योंकि आपने घर में हैंडपंप लगा लिया तो आपको लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन वो हैंडपंप भी पानी नहीं देगा, कुछ समय बाद पानी नीचे नीचे और नीचे जाता चला जाएगा अगर इस तरह से तालाब पोखर जो बारिश के पानी को संजोते हैं वो नहीं रह पाएंगे। तीसरी जो बड़ी चीज है जिसको मैं कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है कि बोतल बंद पानी बंद कराइए। बोतल बंद पानी बंद हो सकता है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है और बोतल बंद पानी की जरूरत भी नहीं है, उसको जो भी चाहिए वो बोतल से अपने घर से पानी लेके जाए। और चौथे चरण में फिर आप आरओ बंद कराइए सभी नगर निगमों में, सभी पंचायतों में, सभी जगहों पर। वो जब आप टैप्ड वाटर की बात करते हैं कि पानी नल से जाएगा, तो वो जाएगा कैसे, तो वहां पे जो भी अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, जो प्राधिकरण है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसा करे कि सभी जगह पे जो नल का पानी जा रहा है वो एकदम साफ जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, पीने लायक जा रहा है। तो यानी बहुत सी चीजें एक साथ ये हो सकती हैं, खेती में बहुत सी चीजें हो ही रही हैं जिसको खुद मोदी जी ने इनिशिएट किया है, और बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे जो अच्छे सलाह होते हैं खेती को ठीक करने के लिए, पानी के कम इस्तेमाल के, वो सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर भारत ये सब कर पाए तो दुनिया में आदर्श हो सकता है और दूसरी लड़ाइयां लड़ी जाती रहेंगी, लेकिन ये वाली लड़ाई हम अगर जीत गए तो हमारे लिए, मानवता के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी।